हेलो स्टूडेंट मु मनोरंजन आज तुम्हें नहीं आसी एक न्यू टॉपिक टॉपिक होची प्रतिजोगन मान इनफेरेंस बाय ऑपोजिशन। तो स्टूडेंट आम कौन पढ़वा एवं विपरीत प्रतिजोगन मान सगुण प्रतिजोगन मान आम कौन पढ़ले कि समान उद्देश्य समान विद्य थाए समान गुण थाए परिमाणगत पार्थक्य परिलक्षित होता है ताकि आम कौन कहते सगुण प्रतिजोगन मान एवं आम कौन पढ़ा विपरीत प्रतिजोगन मान विपरीत प्रतिजोगन मान पढ़ा पर कौन जे आम जो करते प्रतिजोगन मान क्या कहुए प्रतिजोगन मान रोटे गुरुत्वपूर्ण कथा अच्छी हेतुवचन आउ सिद्धांत मध्य हेतुवचन आउ सिद्धांत मध्य अर्थर जो अर्थगत समानता अर्थगत समानतार कौन जाए ना रही न था पारे अर्थगत समानता रही न था पारे एवं हेतुवचन रु सत्यासत्य हेतुवचन सत्यासत्य रु सिद्धांत सत्यासत्य आम निर्भर करता बाहर करूँ हेतुवचन सत्यासत्य सिद्धांत सत्यासत्य आम बाहर करें आम कौन जी ए विपरीत प्रतिजोगन मन विपरीत प्रतिजोगन क्या कहूँ जो प्रतिजोगन मन में गोटे सार्विक तर्कवचन रु उद्देश्य और विद्य समान थाई गोटे सार्विक तर्कवचन रु उद्देश्य विद्य समान थाई गुण गुणजुक्त अन्य एक सार्विक तर्कवचन अनुभूत होता है ताकि कौन कहना विपरीत प्रतिजोगन मान कह कहुच्छे विपरीत प्रतिजोगन क्या कहूँ कि गोटे सार्विक तर्कवचन गोटे सार्विक कारण विपरीत प्रतिजोगन मन में जो अच्छी आ एवं ए तर्क ए तर्कवचन आ एवं ए तर्कवचन अच्छी यहाँ ना सार्विक तर्कवचन अच्छी सार्विक तर्कवचन अच्छी से कही गोटे सार्विक तर्कवचन रु उद्देश्य विद्य सामान रहा गोटे सार्विक तर्कवचन रु उद्देश्य एवं विद्य सामान रहा गुणजुक्त अन्य एक सार्विक तर्कवचन अनुमित है गोटे सार्विक तर्कवचन रु गुण आ गुणटा आम कौन है गुणजुक्त अन्य सार्विक तर्कवचन अनुमित है ताक कौन कौन विपरीत प्रतिजोगन मान ताक कौन कौचे विपरीत प्रतिजोगन मान यही मुझे विपरीत प्रतिजोगन मान सामान उद्देश्य रान विध कौ तर्कवचन आ एवं ए तर्कवचन सामान उद्देश्य एवं सामान विध कौ तर्कवचन अच्छे आ एवं ए तर्कवचन अच्छी आ एवं ए तर्कवचन रही कौन सामान उद्देश्य एवं सामान विध थाई आ एवं ए तर्कवचन मध्य विपरीत प्रतिजोगन मान संभव होता है। पर एग्जांपल आम देपर समस्त तारका उज्जवल अटंती समस्त तारका उज्जवल अटंती आम सार्विक आसूँ ए तर्कवचन में आम सिद्धांत कौन दबा ना कौन सी तारका उज्जवल नुहंती आम कौन है सार्विक रही आमर आ तर्कवचन सार्विक ए तर्कवचन सार्विक यहाँ पर कौन जान लेजा उद्देश्य पद आम सिद्धांत उद्देश्य रही विधेय पद सिद्धांत से विधेय रही कौन है ना ये गुणगत पार्थक्य देखना गोटे सार्विक तर्कवचन रु अन्य एक गुणजुक्त एक सार्विक तर्कवचन कौन है अनुमित होना सदर्थक थिला बेले एठी नंजर्थक होती आम विपरीत प्रतिजोग संबंध क्रिएट होती विपरीत प्रतिजोग संबंध क्रिएट होती कारण समस्त तारका उज्जवल अटंती आमर एटी कौन एटी आम सार्विक सदर्थक थिला बेले एटी सार्विक नंजर्थक होती अटंती थिला बेले एटी नुहंती एटी आम विपरीत प्रतिजोग मान ताको कहुच्छे कारण ये गुणजुक्त एक अन्य एक सार्विक तर्कवचन अनुमित होमें ये कौन जानले जा गोटे तर्कवचन सत्य हेले गोटे तर्कवचन सत्य हेले अन्य तर्कवचनटी मिथ्या होता है गोटे तर्कवचन सत्य हेले अर्थात समस्त तारका उज्जवल अटंती आम जो सत्य हम तेने कौन सी तारका उज्जवल नुहंती मिथ्या हम जदि आम गोटे तर्कवचन मिथ्या ने गोटे तर्कवचन मिथ्या ने अन्य तर्कवचन सत्यासत्य जाणि हुए ना बा अनिश्चित होता है कारण समस्त तारका उज्जवल अटंती आम जी एटा कौन धरवा यटा को आम मिथ्या धरवा समस्त तारका उज्जवल अटंती आम जब मिथ्या धरवा तेनाली कौन सी तारका उज्जवल नुहंती सत्यासत्य अनिश्चित होता है समस्त तारका जिते उज्जवल नुहंती आम अटंती जो आम मिथ्या धरूचे समस्त तारका उज्जवल अटंती आम जब मिथ्या धरूचे तेब ए तर्क पर्यटन जो आम ना कौन सी तारका उज्जवल नुहंती यार सत्यासत्यटा आम अनिश्चित करता मैं निश्चित हो न था यहाँ आम एवं जान लें विपरीत प्रतिजोगन मान जो तर्कवचन रे कि जो प्रतिजोगन मान में गोटे सार्विक तर्कवचन रु उद्देश्य विधेय सामान थाई गुणजुक्त अन्य एक सार्विक तर्कवचन अनुमित होती विपरीत प्रतिजोगन मान कहुए तापर आम आसवा उपविरोधी प्रतिजोगन मान तापर आम थर्ड रे आसवा उपविरोधी प्रतिजोगन मान उपविरोधी प्रतिजोगन से ही विपरीत प्रतिजोगन भाई पूरा एक प्रकार जस्ट आर सार्विक विपरीत प्रतिजोगन मान में उपविरोधी प्रतिजोगन मान में विशेष बा आंशिक रोचे विशेष बा आंशिक रोचे आम देखा उपविरोधी प्रतिजोगन मान क्या कहुए जो प्रतिजोगन मान रही गोटे विशेष तर्कवचन रु उद्देश्य विधेय सामान थाई गोटे विशेष तर्कवचन रु उद्देश्य एवं विधेय सामान थाई गुणजुक्त अन्य एक विशेष गुणजुक्त अन्य एक विशेष तर्कवचन अनुत हुए गोटे विशेष तर्कवचन रु उद्देश्य विधेय सामान थाई गुणजुक्त अन्य एक विशेष अनेक गुणजुक्त अन्य एक विशेष तर्कवचन कौन होता है अनुमित होता है ताकि विपर सरी उपविरोधी प्रतिजोगन मान
ତାହାକୁ ଉପବିରୋଧୀ ପ୍ରତିଯୋଗମାନ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ବିପରୀତ ପ୍ରତିଯୋଗମାନରେ ଗୋଟିଏ ସାର୍ବିକ ତର୍କବଚନରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ସମାନ ଥାଏ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାର୍ବିକ ତର୍କବଚନଟି ହେଉଥିଲା କି ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଦ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଏ ସାମାନ୍ୟ ନଜରଦକୁ ଆସୁଥିଲା। ଆମର ଉପବିରୋଧୀ ତର୍କବଚନରେ ବା ଉପବିରୋଧୀ ପ୍ରତିଯୋଗମାନରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ତର୍କବଚନରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ସମାନ ରହିଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ସମାନ ରହିଲା ଏବଂ କ'ଣ ହେଲା ବିପରୀତ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ତର୍କବଚନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠି ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ତର୍କବଚନ ଏଠି ଅନୁମିତ ହେଲା। କାରଣ ଆମେ କ'ଣ କହିଥିଲୁ ପ୍ରତିଯୋଗମାନରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାନ ରହିବ ଏବଂ ବିଧେୟ ସମାନ ରହିବ, କେବଳ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପରିମାଣଗତ ବା ଗୁଣଗତ ଏବଂ ପରିମାଣଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେଇ ଇନଫେରେନ୍ସ ବାଇ ଅପୋଜିସନ ଏଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସିଥାଏ, ପ୍ରତିଯୋଗମାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସିଥାଏ। କାରଣ ଏଠି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ସମାନ ରହି କେବଳ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପରିମାଣଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଉପବିରୋଧୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ଉପବିରୋଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ତର୍କବଚନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ ସମାନ ଥାଏ, ବିପରୀତ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ତର୍କବଚନ ଅନୁମିତ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଉପବିରୋଧୀ ତର୍କବଚନ କହୁଛି। ଏହି ଯେ ମୁଁ ଉପବିରୋଧୀ ତର୍କବଚନ କ'ଣ ହେଉଛି ସମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାନ ବିଧେୟ ଥାଏ, ଇ ଏବଂ ଓ ତର୍କବଚନ ମଧ୍ୟରେ ଉପବିରୋଧୀ ପ୍ରତିଯୋଗମାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଇ ଏବଂ ଓ ତର୍କବଚନ ମଧ୍ୟରେ ଉପବିରୋଧୀ ପ୍ରତିଯୋଗାନୁମାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବ ଇ ଏବଂ ଓ ତର୍କବଚନରେ, ଇ ଏବଂ ଓ ତର୍କବଚନ ଇ ନେବା ଯେ ଆମେ କେତେକ ବାଳକ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା କେତେକ ବାଳକ ମନୋଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି, କେତେକ ବାଳକ ଯଦି ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ଇ ତର୍କବଚନରେ, ଓ ତର୍କବଚନ କ'ଣ ଆସିବ କେତେକ ବାଳକ ମନୋଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଶେଷ ପଦ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ପରିମାଣ ଯେଉଁ ପରିମାଣଟା ବିଶେଷ ବିଶେଷ ହୋଇକି ରହିଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ବିଧେୟ ପଦ ବିଧେୟ ରହିଛି। ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗମାନର ଯେଉଁ ନିୟମ ଦେଇ ଅଛି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ବିଧେୟ ପଦ ବିଧେୟ ରହିଛି। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ତର୍କବଚନରୁ ଏଇଟା ବିଶେଷ ତର୍କବଚନ, ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ତର୍କବଚନରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାନ ଥାଏ ବିଧେୟ ସମାନ ଥାଏ, କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିପରୀତ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ତର୍କବଚନ କ'ଣ ହେଇଛି ଅନୁମିତ ହେଇଛି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ଉପବିରୋଧୀ ପ୍ରତିଯୋଗମାନ କୁହାହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ବିପରୀତ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ତର୍କବଚନ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଅନୁମିତ ହୋଇଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବୁଝିହେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ହେଲେ, ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ନେବା ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ହେଲେ ଏଠି ଅନ୍ୟଟି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ତର୍କବଚନ ମିଥ୍ୟା ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯେଉଁଠି ସେଠି ସତ୍ୟ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ନେବା ଗୋଟିଏକୁ ମିଥ୍ୟା ଧରି ନେବା କି କେତେକ ବାଳକ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ମିଥ୍ୟା ଧରିବା ତାହେଲେ କେତେକ ବାଳକ ମନୋଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ ବା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥାଏ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏଠି ବାହାରି ହୋଇନଥାଏ। କାହିଁକିନା କେତେକ ବାଳକ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଧରିଲେ କେତେକ ବାଳକ ମନୋଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ବାଳକ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ଧରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବାଳକ ଅଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବାଳକ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ମନୋଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ସତ୍ୟାସତ୍ୟର ତା କ'ଣ ବାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆର ସତ୍ୟଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଉପବିରୋଧୀ ପ୍ରତିଯୋଗାନୁମାନ। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ଆଇବିରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗାନୁମାନ, କ'ଣ ଆସୁଛି ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗାନୁମାନ, ବିରୁଦ୍ଧ ଆମର ଯେଉଁ ଆ ଏ ଓ ତର୍କବଚନ ଏଇ ଚାରୋଟି ତର୍କବଚନରୁ କିଏ କାହାର ବିରୁଦ୍ଧ, ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗାନ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗାନୁମାନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗମାନରେ ଗୋଟିଏ ତର୍କବଚନର ସତ୍ୟାସତ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ତର୍କ ମାନେ ଗୋଟିଏ ତର୍କବଚନର ସତ୍ୟାସତ୍ୟରୁ ସମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ସମାନ ବିଧେୟ ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେବ ନା ବିପରୀତ ଗୁଣ ଏବଂ ପରିମାଣ। ଆମର କ'ଣ କହିଥିଲେ ପ୍ରତିଯୋଗମାନରେ ସମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାନ ବିଧେୟ ଥାଏ, ଗୁଣ ଏବଂ ପରିମାଣର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗ ସମାନ କହୁଛେ। ଏଠି ଆମର ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗମାନରେ ସେହିଭଳି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ତର୍କବଚନର ସତ୍ୟାସତ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାନ ରହି ଏବଂ ବିଧେୟ ସମାନ ରହି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ବିପରୀତ ଗୁଣ ଏବଂ ପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ, ବିପରୀତ ଗୁଣ ଏବଂ ପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଏକ ତର୍କବଚନରୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନିୟମିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟାସତ୍ୟରୁ ବା ଗୋଟିଏ ତର୍କବଚନର ସତ୍ୟାସତ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଧେୟ ସମାନ ରହି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ବିପରୀତ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ତର୍କବଚନର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁମିତ ହେଉଛି ତାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛ ନା ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗମାନ। ଏହି ଯେଉଁ ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗମାନ ଦୁଇଟି ତର୍କବଚନ ମଧ୍ୟରେ
उभय गुण और परिमाण कौन हो पार्थक्य परिलक्षित होती आमर प्रतिजन कौन कहुला गुण और परिमाण पार्थक्य होमर से विरोध प्रतिजन कौन कही दुईट तर्कवचन मध्य मानने हेतुवचन और सिद्धांत मध्य हेतुवचन और सिद्धांत मध्य गुणयुक्त एवं गुण विशिष्ट एवं परिमाण विशिष्ट कौन हो परिमाण तो पार्थक्य रोचे ये जो पार्थक्य रोचे कौन कौन आम विरुद्ध प्रतिजोगी मान कौन कौचे विरुद्ध प्रतिजोगी मान यही विरुद्ध प्रतिजोगी मान क्या क्या मध्य रोचे ना यही विरुद्ध प्रतिजोगी मान आ एवं ओ तर्कवचन मध्य रही है एवं इ तर्कवचन मध्य रही है कहीं आ एवं ओ इं ए तर्कवचन मध्य रही है विरुद्ध प्रतिजोगी मान आ एवं ओ तर्कवचन हो कारण आ तर्कवचनटा हूँ सार्विक सदर्थक आ तर्कवचन हूँ सार्विक सदर्थक उ तर्कवचन कौन हो आंशिक नजरथक विशेष नजरथक कौन कही आमर विरुद्ध प्रतिजोगी मन में गुण विशिष्ट एवं परिमाण विशिष्ट पार्थक्य परिलक्षित हो गुण विशिष्ट परिमाण विशिष्ट पार्थक्य परिलक्षित हो माने आ तर्कवचन जदि सामान्य सदर्थक अर्थात सार्विक सदर्थक रोचे तार गुण परिवर्तन हो गुणटा आम पार्थक्य परिलक्षित होगा दरकार परिमाण पार्थक्य परिलक्षित होगा दरकार एका साथी से आ तर्कवचन सार्विक थी बेले आमर ओ तर्कवचन विशेष आसी आ तर्कवचन गुण आमर सदर्थक थी बेले ओ तर्कवचन गुण आमर नजरथक आसपर जो आमर एवं इ तर्कवचन एवं इ तर्कवचन ना ए आमर सार्विक नजरथक थी बेले ए तर्कवचन सार्विक नजरथक थी बेले इ तर्कवचन आंशिक सदर्थक आठ आम कौन जाना गुण आम पार्थक्य परिलक्षित होता सहित परिमाण पार्थक्य परिलक्षित होर एक्जाम्पल आम देखिपर आ तर्कवचन समस्त सर्प विषधर अटंती समस्त सर्प विषधर अटंती एक्जाम्पल सिद्धांत कौन एटा हेतुवचन सिद्धांत कौन हम ना केतक सर्प विषधर नुहंती समस्त सर्प विषधर अटंती केतक सर्प विषधर नुहंती आमर गुणगत परिमाण पार्थक्य परिलक्षित होना आम देखा समस्त आतक समस्त सार्विक थी बेले ओ आम जो सिद्धांत कौन होमाण आंशिक बा विशेष होमर सर्पटा उद्देश्य सिद्धांत मत कौन से उद्देश्य रही मान सामान रही अपरिवर्तित रही आम विधेय पद जो विषधर सी विषधर आम विधेय पद रही अर्थात सामान रही आमर ये कौन होना गुणगत कौन ये पार्थक्य परिलक्षित हो सहित मत परिमाणगत पार्थक्य परिलक्षित हो कहीं आम विरुद्ध प्रतिजन कौन कही गुण और परिमाण विशिष्ट अन्य एक तर्कवचन सत्या सहित निश्चित व अनुमित होता है ये आम जापरले जे आम ओ तर्कवचन आमर एट आ तर्कवचन सामान्य सदर्थक थी बेले ओ तर्कवचन विशेष नजरथक रही आम गोटे कथा जापर जे गोटे सत्य हेले आ तर्कवचन गोटे सत्य हेले अंटी मिथ्या होता है गोटे सत्य हेले अंटी मिथ्या होता है आम जो गोटे जदि मिथ्या हे अंटी सत्य हो पार कहीं आर सत्यासत्य बाहर होमर जो विशेष तर्कवचन रु सार्विक तर्कवचन को सत्यासत्य हो सार्विक तर्कवचन रु विशेष तर्कवचन को सत्यासत्य बाहर हो पार्टी आम आउ गोटे एक्जामपल देपर एवं इ तर्कवचन एवं इ तर्कवचन देखिए देखिपर कौन सर्प विषधर नुहति कौन सर्प विषधर नुहति सिद्धांत कौन आस केतक सर्प विषधर अटंती केतक सर्प विषधर अटंती आम कौन सर्प विषधर नुहति कौन सीटा सार्विक थी बेले केतकटा आम विशेष होती परिमाणगत पार्थक्य परिलक्षित होती आम गुणटा जे गुणटा आम कौन हो नजरथक थी बेले केतक आम जो इ तर्कवचन कौन हो गुणटा आम से पार्थक्य परिलक्षित होती नजरथक थी बेले सदर्थक होजरथ थी बेले नजरथक थी बेले सदर्थक हो ये आम उद्देश्य पद उद्देश्य रही विधेय पद विधेय रही अर्थात उद्देश्य पद और विधेय पद सामान रही गुण गुण विशिष्ट एवं परिमाण विशिष्ट कौन हो पार्थक्य परिलक्षित हो तर्कवचन ये आम जानते विरुद्ध तर्कवचन आएं उ तर्कवचन एवं इ एवं ए तर्कवचन मध्य कौन होता है ना विरुद्ध तर्कवचन होता है आएं ए आई भी रोचे विरुद्ध प्रतिजोगन मान सेकेंड यूनिट अच्छी थर्ड यूनिट अच्छी सेकेंड यूनिट बहुत भेरी इंपोर्टेंट मन रखिथ्व जे विरुद्ध प्रतिजोगन मान कौ कौ रही है सर्ट क्वेश्चन पड़ा विरुद्ध प्रतिजोगन मान कौ तर्कवचन रही है आएं ओ तर्कवचन आएं ओ तर्कवचन मध्य विरुद्ध प्रतिजोगन मान होता है एवं इ तर्कवचन मध्य विरुद्ध प्रतिजोगन मान होता है यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट यहाँ मन रख ये जो एवं तर्कवचन आम जानते कौन सर्प विषधर नुहति और केतक सर्प विषधर अटंती ये आम जानते विरुद्ध प्रतिजोगन आम जो प्रतिजोगन मान जाने चारि प्रकार कौन सगुण प्रतिजोगन मान विपरीत प्रतिजोगन मान
आउ गोटे कौन हो उपविरोधी प्रतिजन मान शेष कौन रोचे विरुद्ध प्रतिजोगन मान तुम विरुद्ध प्रतिजोगन अनुमाना भेरी इंपोर्टाट विरुद्ध प्रतिजोगन मानटा भेरी भेरी इंपोर्टाट आमर एवं अव्यवहित अनुमान फास्ट यूनिट्र प्रतिजोगन मान ए पढ़ले प्रतिजोगन चारि प्रकार या पर तुम जब प्रथम थर पर भिडियोटी को देखु तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाए सब भिडियो गुड़ी देख सब भिडियो देखने तुम आज जो टॉपिक पढ़ा जाए इजिली तुम बुझीपरिबो।